ये इंटरनेशनल कुछ कॉन्फ्रेंस है जो हर साल मुनाकिद होती है, लेकिन इस साल बड़ी अहमियत है इस कुछ कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि अभी जैसा कि आप हजरात मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि इस वक्त फिलिस्तीन का मसला निहायत हसासियत हासिल कर चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त फिलिस्तीन की मजलूमों पर लगी हुई हैं और गजा एक कैद खाने में तब्दील हो चुका है, और ये मसला किसी फर्द का मसला नहीं है। मसला फिलिस्तीन किसी एक फर्द का मसला नहीं है, किसी एक मसलक का मसला नहीं है, किसी एक कौम का मसला नहीं है, न ये शिया सुन्नी का मसला है। ये मसला न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि पूरी इंसानियत का मसला है, क्योंकि ये नहत्ते बच्चे जो मारे जा रहे हैं ये किसी भी कौम और मिल्लत में बेगुनाह है, इनका कोई जुर्म नहीं है। ये ख्वातीन को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल पर बमबारी हो रही है, मदरसों पर बमबारी हो रही है, स्कूल पर बमबारी की जा रही है, इंसानियत को रुसवा किया जा रहा है, और पूरी दुनिया 60 साल से ये देख रही है कि इसराइल के मजालिम पूरी दुनिया के मुसलमानों को परेशान किए हुए हैं। पूरे मुसलमानों को इन्होंने जो है ट्रेन करके इन्हें जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया है। इस वक्त आप देखिए इराक के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये सब इसराइल का किया हुआ है। इस वक्त दाएश के जो लोग बीमार हैं उनको जो है तलबीब में उनका इलाज करवाया जा रहा है। पूरी दुनिया की नजरें जो है इराक के ऊपर मबजूल करके इधर जो है फिलिस्तीन के ऊपर बमबारी की जा रही है। आप देखिए फिलिस्तीन पर जो मजलूमों को मुसलसल मारा जा रहा है, वो लोग नहत्ते हैं, इसराइल का उनसे कोई तकाबुल नहीं है। वो इसराइल इस वक्त दुनिया की जो है बहुत बड़ी अस्करी ताकत है, जिसके पीछे अमेरिका जो है उसके पीछे है। इसका मकसद ये है कि दुनिया को ये बताएं कि आखिर इन मजलूमों को क्यों मारा जा रहा है। आप खुद प्रेस मीडिया से हम ये खिताब कर रहे हैं कि आप ये बात को पेश करें दुनिया के सामने कि आखिर ये मजलूमों को जो मारा जा रहा है क्या इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है दुनिया में। मुसलमान की बात नहीं है, आखिर जो है इंसान कोई नहीं है जो इन बच्चों के ऊपर तरस खाए, रहम खाए और आवाज बुलंद करे। बैनुल अक्वामी इदारे खामोश क्यों हैं, मीडिया खामोश क्यों है, क्यों इस बात को पेश नहीं करता कि ये जुल्म को रोकना चाहिए, इसराइल की बमबारी रोकनी चाहिए, इसराइल का जुल्म रोकना चाहिए, इराक के अंदर जो जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, ये इन्हीं का किया हुआ है ना। लोग सहमे हुए, लोग परेशान है कि जो है कहीं हम पर भी ये आफत ना आ जाए, क्योंकि इसराइल अमेरिका का मसला आता है तो बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी हैबत इतनी है कि कोई हक बोलने के लिए डर रहा है। मुसलमान इस वक्त जो है खौफ ज्यादा हो गया है, जबकि जो है मुसलमान को मारा जा रहा है। और जो है इराक के अंदर आप सूरत हाल देखिए, शाम के अंदर आप सूरत हाल देखिए, शाम के अंदर कौन जो है फसाद करवा रहा है, लिबनान के अंदर क्या हो रहा है, हर जगह जो है ना ये इसराइल अमेरिका के पहली करते हैं। जुमे के दिन जो है जुम्मतुल विदा को पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होता है, इराक ये इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में होता है। तो हम लोग जो है वो पुरानी हवेली से जो है दारुशफा ग्राउंड तक जो है जुम्मतुल विदा को बाद नमाज जुमा वो छोटी सी रैली निकालते हैं, जिससे ये पैगाम देते हैं कि हम लोग जालिमों के खिलाफ हैं और मजलूमों के हमदर्द हैं। दुनिया में जहां भी मजलूम हो, हत्ता जो है गैर मुस्लिमों पर भी अगर बेगुनाह हमला किया जाए तो हम उसके भी खिलाफ हैं। हम जो है जुल्म के खिलाफ है, हम बरियत के खिलाफ है।